नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A03S मोबाइल के बारे में। क्योंकि गाइस, एक तो मिड रेंज का मोबाइल फोन है, मिड रेंज में नहीं कहेंगे, लोअर रेंज कहेंगे, और आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड पे या आप अपना सेकेंडरी एंड्रॉइड मोबाइल रखना चाह रहे हैं तो बेस्ट है। उसके लिए कुछ फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। जो स्क्रीन साइज है 6.5 है, खुश रखता है आपको। HD में डिस्प्ले मिलती है, जो पिक्सल है 720 में आपको मिलता है। बात करें कैमरा सेटअप की, तो तीन कैमरा आपको पीछे मिलते हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हो जाता है, 2 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा हो जाता है। बात करते हैं कितने जीबी रैम के साथ आता है, 3 जीबी एंड 4 जीबी रैम के साथ आता है। स्टोरेज कैपेसिटी मेन रोल प्ले करती है, तो 3 जीबी के साथ जो मिलता है 32 जीबी मिलता है, 4 जीबी के साथ जो मिलता है 64 जीबी मिलता है। अब गाइस बात करें बैटरी बैकअप, एक तब लोअर रेंज मोबाइल फोन आते हैं तो बैटरी बैकअप उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग ज्यादा उसे यूज नहीं, उसे बस ये सोचते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो, कि मैं एक बार चार्ज करूँ तो ज्यादा दिन तक चले। तो 5000 mAh तक की बैटरी दी गई है। और बात करें किस प्रोसेसर क्या आता है, मीडियाटेक का हेलियो G35 आपको प्रोसेसर मिल जाता है। अच्छा परफॉर्मेंस है, मगर हम ये नहीं अच्छा प्रोसेसर है मगर हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट है। फिंगरप्रिंट के लिए गाइस स्क्रीन फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, लोएस्ट मोबाइल में आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट मिलता है। बात करें बैटरी को कितनी देर में चार्ज करके, तो 15 वाट की इसमें चार्जिंग सपोर्ट है, तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 2 से 2.5 घंटे मोबाइल चार्जिंग में लगा देगा। और गाइस जो प्राइस सेगमेंट है 8.5 हजार से 10 हजार रुपए तक की रेंज में आता है, तो बेस्ट है, लेने वाली बात है। लेकिन 10 हजार रुपए से 1 रुपया भी क्रॉस कर देता है, तो आप MI की तरफ या वीवो की तरफ भी देख सकते हैं कि इसी स्पेसिफिकेशन में आपको लोएस्ट मोबाइल मिल जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।